मुझे और मेरी बहन है मात्र शक्ति को मैं निर्वण प्रणाम करता हूं। मेरे बड़े भाइयों को मैं निर्वण प्रणाम करता हूं। मेरे समस्त पिता तुल्य प्रबुद्ध जनों को, साथियों, मैं अपना छोटा सा परिचय देने के साथ कुछ ज्यादा बात तो नहीं रखूंगा, क्योंकि यहाँ इस हॉल के अंदर बैठे समस्त लोगों के बीच शायद मैं उम्र में भी और एक्सपीरियंस में भी सबसे छोटा हूं। आज जब ये पोस्टर दो दिन पहले मैं जयपुर के अंदर था और मेरे पास पहुंचा कि इस तरह का एक कोई कार्यक्रम आयोजित हो रहा है दिल्ली के अंदर, तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो कार्यक्रम है इसका एक संदेश विश्व भर के अंदर किस प्रकार से जाएगा और किस प्रकार से मैं इस कार्यक्रम के अंदर यूथ को इंक्लूड कर सकूं, स्टूडेंट्स को इंक्लूड कर सकूं। मैंने मेरा पहला प्रयास किया कि मेरे तमाम दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर बिश्नोई समाज और उसके साथ ही जितने भी लोग पर्यावरण के प्रति अपनी वेदनाएं रखते हैं उन समस्त लोगों को इस कार्यक्रम की जानकारी दी। आज वो सब लोग हमारे बीच भी बता रहे, ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी। साथियों, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर आज से दो वर्ष पूर्व जब मैंने प्रवेश लिया था तो मुझे वहां पे जब मैं दिखा इधर उधर घूमा और पता किया कि मेरे समाज के लोग यहाँ पे कितने हैं, तो मुझे कहीं एक दिखा कहीं दो दिखा, इसके अलावा मुझे वहां पे नहीं मिले। तो मैंने जब इसका कारण खोजने की शुरुआत करी तो मुझे लगा कि आज का जो यूथ है, आज का जो स्टूडेंट है, वो दसवीं और बारहवीं करके सीधा का सीधा है, जो अपना कहीं महाराष्ट्र जा रहा है, कोई बेंगलोर जा रहा है और काम धंधों के अंदर है, जो पार्टिसिपेट करने की सोच रहा है। मैंने कहा वो पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है। इस चीज के बारे में जब चिंतन और मनन किया, अपने से बड़ों से बातचीत की और जब पता चला तो उसमें पता चला कि वो उनके जो घर से पारंपरिक रूप से जो चीजें चल रही है, या फिर जो जो चार लोग बाहर से आते हैं और चार फॉर्च्यूनरों में घूमते हैं, चार अच्छी कारों में घूमते हैं, तो उनको देख के कि भाई इनके पास भी अच्छा पैसा है, हमारे पास भी अच्छा पैसा है। मैं उन तमाम लोगों को इस मंच के थ्रू कहना चाहूंगा जो दसवीं और बारहवीं में पढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू भी देख रहे होंगे, तो मैं उन तमाम लोगों से कहूंगा कि देखिए पैसा तो ऐसी चीज है कि आपके अंदर अगर टैलेंट है तो पैसा तो आपने सारे पुरुष कमा ही रहे हैं। पैसा किसके नाम का है, कोई साथ में तो लेके जाता नहीं है। पैसा सारा अपना ही है, सारी चीजें अपनी है, बस उन लोगों को इस चीज का ध्यान देना है कि इस देश के अंदर अगर पर्यावरण को बचाने के लिए और पर्यावरण पर शोध करने के लिए कोई व्यक्ति सबसे आगे खड़ा मिलता है तो वो बिश्नोई समाज से मिलता है। साथियों, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर छात्र संघ की तैयारी करते हुए जब प्रोक्टर साहब से मिला और उनसे जब मैंने बात की, मैंने कहा पर्यावरण पे शोध महोदय दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर क्यों नहीं हो रहा है, क्या मामला है? तो उन्होंने मुझे बताया कि इस पे इंटरेस्टेड लोग कम होते हैं। मैंने कहा मेरा 15 लाख लोगों का समाज पूरा बैठा है जो तन मन और धन दे सकता है और आप बात कर रहे हो इंटरेस्टेड। तो उन लोगों ने, प्रोफेसर महोदय ने मुझे बताया कि आप मुझे इस चीज की प्रॉपर जानकारी दीजिए और सारी चीज डाटा मुझे प्रोवाइड कीजिए। तो मैं टोटली चीज ये कहना चाहता हूँ कि हमारे लोग हर विश्वविद्यालय के अंदर है, हर जगह है, तो कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ाने का काम हम सब लोगों का है। मैं अपनी ज्यादा बात नहीं रखूंगा, उससे पूर्व आज जिस टॉपिक पर हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, 363 शहीदों के नाम पर और उसके पश्चात मैं उन लोगों को भी नमन करता हूँ जिन लोगों ने 363 तो एक साथ बलिदान हुए थे, उनके बाद प्रति वर्ष
विष्णुओं और विष्णुओं के साथ में अन्य पर्यावरण समाज जो पर्यावरण प्रेमी लोग हैं उन्होंने कुत्ता उसमें सहयोग किया है और उसके 50 भी कुत्ते लोग उसके लिए शहीद हुए हैं। मैं उन सब लोगों को नमन करता हूँ इस मंच के लिए। साथियों, मैं अपनी बात को खत्म करने से पूर्व एक बात और एक उम्मीद और एक आशा आप सब लोगों से मैं लेके जाऊंगा कि इस देश में सबसे अगर पावरफुल कोई है तो इस देश का यूथ है और इस देश का स्टूडेंट है। मैं स्टूडेंट की बात करने के लिए, मैं यूथ की तरफदारी करने के लिए यहां पे खड़ा हूं। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां भी जरूरत पड़े, आपने आज मुझे बोलने का वक्त दिया इसलिए मैं आपका कोटि कोटि आभारी हूं। पर आगे भी जहां जहां जरूरत पड़े मैं आशा और उम्मीद लेके जाता हूं कि मेरे अन्य साथियों को भी इसी तरह से आप आगे बढ़ाने का कार्य करोगे और हम सबको साथ में लेके चलने का संकल्प लोगे। मुझे बड़ा दुख हुआ क्या है कि जब हम, जैसे पहले भी सर ने बताया था कि जब हम घर में बैठे हैं तो घर की एक दो बातें अपन को कर लेनी चाहिए, तो घर की बात यह है कि आप स्टूडेंट की संख्या बहुत कम है और अपने स्टूडेंट एक्टिविस्ट इतने लोग हैं, अपने इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट है जो पीएचडी कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, जेएनयू के अंदर, तमाम यूनिवर्सिटियों के अंदर, उन सब लोगों को कहीं ना कहीं जोड़ने का कार्य हम सब लोगों का है। हम उसे पूर्ण भी करेंगे। मैं तमाम लोगों का आशीर्वाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं और इस उम्मीद और इस हर्षोल्लास के साथ यहां से विदाई लेता हूं कि स्टूडेंट और यूथ की मांग दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू, जेएनवीयू या राजस्थान यूनिवर्सिटी के साथ हरियाणा यूनिवर्सिटी और तमाम जगह पर यह विष्णुई समाज आगे रखेगा और इसकी आवाज चाहे हर जगह पे छात्रसंघ में हो या इसकी आवाज देश के सदन पर हो, देश के सबसे बड़े पटल पर हो, गूंजेगी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने मेरी बात को सुना। आप सबने बहुत धन्यवाद।